BGP stands for Border Gateway Protocol. It is an EGP protocol. EGP protocol से क्या मतलब है? एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल तो ठीक है। देखो यार, आईजीपी प्रोटोकॉल जो थे ना, आईजीपी प्रोटोकॉल में क्या होता था, जैसे हमने एआईजीआरपी पढ़ा, यहाँ पे एस 100 है, यहाँ पे एस 100 है, इन दोनों के बीच में नेबरशिप अप आ जाती थी, है ना। बट अगर यहाँ पे एस 200 चल रहा है, इन दोनों के बीच में नेबरशिप अप आती थी, अपने प्रीफिक्सेस एक्सचेंज कर पाते थे नहीं। बट बीजीपी में क्या है, बीजीपी में यहाँ पे एस 100 चल रहा है, यहाँ पे एस 200 चल रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इन पे बीजीपी कॉन्फिगर कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में बीजीपी की नेबरशिप बनेगी और ये आपस में अपने प्रीफिक्सेस क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मतलब एजीपी प्रोटोकॉल हम लोग किसको बोलते हैं, जो दो डिफरेंट एएसएस के बीच में क्या करवा पाता है, राउटिंग परफॉर्म। बात आगे समझ में, तो एक एजीपी प्रोटोकॉल है, इसी में मेंशन करना, इट इज ए पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। एक पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल से क्या मतलब है, वो अब बात कर लेते हैं। देखो R1, R2, R3, यहाँ पे एक R4 कनेक्टेड है, इस तरह से कुछ राउटर कनेक्टेड है, ठीक है। R1 के पास में और R3 के पास में एक 10 का प्रीफिक्स है, इन सब पे BGP चल रहा है। तो R1 को ये प्रीफिक्स इस वाले पाथ से भी रिसीव होगा और इस पाथ से भी रिसीव होगा, समझ में आ रही है ना बात। 10.1.1.0/24 इस पाथ से भी एंड 10.1.1.0/24 इस पाथ से भी। अब क्या होगा, इन दोनों में से एक पाथ क्या बनाएगा, बेस्ट पाथ बनाएगा। और बेस्ट पाथ बनाने के लिए क्या यूज करता है, जो IGP प्रोटोकॉल थे, IGP प्रोटोकॉल क्या यूज करते थे बेस्ट पास सिलेक्शन के लिए, मैट्रिक क्या यूज करते थे, मैट्रिक। जैसे रिप चल रहा है, EIGRP चल रहा है, OSPF चल रहा है, इन सब भी राउटर पे, तो ये देखता था कौन से पाथ में मैट्रिक लोअर है, कौन से पाथ की मैट्रिक लोअर है, उस वाले पाथ को क्या बना लेता था, वो बेस्ट पाथ बना लेता था। और मैट्रिक अगर दोनों पासे सेम होती थी तो वो क्या करता था, लोड बैलेंसिंग। पहली बात तो ये BGP बाय डिफॉल्ट लोड बैलेंसिंग प्रोवाइड नहीं करवाता, बाय डिफॉल्ट BGP सिर्फ अपनी राउटिंग टेबल में मैक्सिमम एक ही पाथ इंस्टॉल कर सकता है। इवन हम लोग लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करवा सकते हैं BGP में, बट बाय डिफॉल्ट BGP में मैक्सिमम पाथ सेट ही कितने होते हैं, 1। मतलब अगर दो अलग अलग राउटर से प्रीफिक्स रिसीव हो रहे हैं तो उन दोनों पाथ को बाय डिफॉल्ट अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं कर सकता, वो मैक्सिमम कितने पाथ इंस्टॉल कर सकता है, वो 1, है ना। तो अब होगा क्या, अब R1 के पास में ये प्रीफिक्स इस पाथ से भी आ रहे हैं और इस पाथ से भी आ रहे हैं। जब ये प्रीफिक्स आ रहा होगा ना, तो किस मैसेज के फॉर्म में भेजते हैं ये राउटिंग प्रोटोकॉल अपने प्रीफिक्सेस, एक अपडेट मैसेज के फॉर्म में भेजते हैं ना। इस अपडेट में क्या होगा, आपका प्रीफिक्स होगा यहाँ पे, और साथ में इसके साथ में ना पाथ एट्रीब्यूट लग के जाते हैं। क्या लग के जाते हैं, पाथ एट्रीब्यूट, मतलब इस पूरे पाथ की इंफॉर्मेशन जारी होगी उस पाथ एट्रीब्यूट में, अपडेट होगा, अपडेट में उस पूरे पाथ की इन्फॉर्मेशन जारी होगी। और ये भी जब अपना अपडेट मैसेज में ये प्रीफिक्स शेयर करेगा तो इस पूरे पाथ की इन्फॉर्मेशन भेजेगा। और ये राउटर R1 के पास में ये दो प्रीफिक्स रिसीव हो रहे हैं, दो अपडेट मैसेज में, R2 से भी और R3 से भी। अब ये बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए मैट्रिक यूज नहीं करता BGP, बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए क्या यूज कर रहा होता है, पाथ एट्रीब्यूट यूज करता है, मतलब इस पूरे पाथ की इन्फॉर्मेशन यूज कर रहा होता है बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं BGP को। और ये बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए क्या यूज कर रहे हैं, पाथ एट्रीब्यूट। और पाथ एट्रीब्यूट क्या है, पाथ एट्रीब्यूट कुछ क्राइटेरियाज हैं फॉर बेस्ट पाथ सिलेक्शन इन BGP। IGP प्रोटोकॉल में बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए क्या यूज होती थी, मैट्रिक। BGP में बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए क्या यूज हो रहा है, पाथ एट्रीब्यूट। पाथ एट्रीब्यूट पे हमारा एक सेपरेट सेशन रहेगा, सिर्फ उस पे हम लोग पाथ एट्रीब्यूट के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे BGP वो पाथ एट्रीब्यूट को यूज करके बेस्ट पाथ सिलेक्शन करता है। समझ में आ रही है ना बात, अभी के लिए सिर्फ इतना समझो पाथ एट्रीब्यूट क्या है। पाथ एट्रीब्यूट कुछ क्राइटेरियाज है
फॉर बेस्ट पाथ सिलेक्शन इन बीजीपी, क्लियर है। और बीजीपी को हम लोग पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए वो क्या यूज कर रहा होता है, पूरे पाथ की इंफॉर्मेशन यूज कर रहा होता है, पाथ एट्रीब्यूट यूज कर रहा होता है, पाथ एट्रीब्यूट में पूरे पाथ की क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। बात आगे समझ में, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। हटा दो इसको, ओके नेक्स्ट, इसी में मेंशन करना, इट इज ए लेयर 7 प्रोटोकॉल, एक लेयर 7 का प्रोटोकॉल है। जैसे रिप था, रिप कौन सी लेयर पे काम करता था, रिप भी तो लेयर 7 पे काम करता था, बट वर्क किसके लिए कर रहा होता था, लेयर 3 के लिए राउटिंग परफॉर्म करवा रहा था। समझ में आ रही है बात, EIGRP OSPF डायरेक्टली कौन सी लेयर पे काम करते थे, लेयर 3 पे काम करते थे, है ना। ऐसे ही BGP क्या है, BGP भी RIP की तरह क्या है, लेयर 7 का प्रोटोकॉल है। और RIP लेयर 4 पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा था, UDP। RIP किस पे काम करता था, UDP के ऊपर काम करता था, बट जो BGP है वो TCP पे वर्क करता है। इसमें लिखना, इट यूजेस TCP पोर्ट नंबर 179। जो RIP था, RIP अपना जो पोर्ट नंबर यूज करता था वो क्या यूज कर रहा था, 520। UDP पोर्ट नंबर यूज करता था, और ये क्या यूज करता है, TCP पोर्ट नंबर 179 यूज करता। अब देखो क्या होता था, RIP में, RIP जो था वो एक कंप्लीटली अनरिलायबल राउटिंग प्रोटोकॉल था। वो क्या था, अनरिलायबल राउटिंग प्रोटोकॉल था। और अनरिलायबल राउटिंग प्रोटोकॉल से क्या मतलब है, देखो RIP में अगर राउटर ने अपने प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी, अपने करनी होती थी अपने नेबर को, तो वो क्या करता था, लेयर 7 पे अपना एक अपडेट मैसेज जनरेट करता था, और लेयर 4 से किसको हैंड ओवर कर देता था, UDP को, और UDP उसके साथ में अपना हेडर क्या करता था, अटैच करता था। UDP हेडर सोर्स पोर्ट नंबर रहता था उसमें, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या रखता था, वो 520, है ना। देन लेयर 3 पे जाता था, लेयर 2 से होता हुआ वो सामने वाले डिवाइस के पास में क्या होता था, रिसीव होता था। और जो UDP जो मैसेज जो आपके RIP के जो मैसेजेस जा रहे थे वो कैसे जा रहे थे, UDP के ऊपर जा रहे थे, और UDP पे जो भी ट्रैफिक जा रहा होता है उसकी कभी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, तो कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आती थी वहां पे। इसीलिए RIP के अंदर क्या होता था, जो भी अपडेट मैसेज होते थे उनको कैसे भेजा जाता था, वहां पे पीरियोडिकली भेजा जा रहा था आफ्टर एवरी 30 सेकेंड। समझ में आ रही है ना बात, क्योंकि वहां पे एक्नॉलेजमेंट तो थी नहीं, वो किस पे काम कर रहा था, UDP के ऊपर वर्क कर रहा था वहां का। समझ में आ रही है बात, और UDP पे वर्क कर रहा है तो उसमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, और जिन मैसेजेस की एक्नॉलेजमेंट नहीं होगी उनको कैसे भेजा जाएगा, प्रायोरिटी हो सकता है एक बार में रिसीव नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम रिसीव हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं आपके जो UDP पे काम करते हैं उनके जो मैसेजेस हैं वो रिलायबल नहीं होते हैं, वहां पे रिलायबिलिटी तो होगी नहीं, तो उन मैसेजेस को कैसे शेयर कर दिया जाता है, प्रायोरिटी। बात आगे समझ में। बट अगर मैं बात करूं किसकी, BGP की, BGP क्या है, BGP भी लेयर 7 प्रोटोकॉल है RIP की तरह, बट ये लेयर 4 पे किसको यूज कर रहा होता है, TCP को। मतलब BGP ने अपने जो भी मैसेजेस शेयर करने हैं वो किस पे जा रहे होंगे, TCP बेस जा रहे होंगे, और TCP के ऊपर जो भी मैसेजेस जा रहे होते हैं उसकी हमेशा क्या मिलती है, एक्नॉलेजमेंट मिलती है। बात आ रही है समझ में। तो यहाँ पे BGP में हर एक मैसेज की क्या मिलेगी आपको, एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। क्लियर है इतनी चीज। तो BGP जो है वो जैसे EIGRP था, EIGRP के सारे मैसेजेस रिलायबल नहीं थे, ठीक है, EIGRP के सारे मैसेजेस रिलायबल नहीं थे। जैसे हेलो रिलायबल नहीं था, 3 ही मैसेजेस रिलायबल थे, उनके लिए अलग से एक प्रोटोकॉल यूज हो गया था। बट अगर मैं BGP की बात करूं, सारे के सारे मैसेजेस क्या है, रिलायबल है, क्योंकि लेयर 7 पे काम कर रहा है, और लेयर 4 पे किसको हैंड ओवर कर रहा है, TCP को। जितने मैसेज है वो TCP के ऊपर जा रहे हैं, और हर एक मैसेज की क्या मिलेगी, वहां पे एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक है। और BGP एक कंप्लीटली रिलायबल राउटिंग प्रोटोकॉल है आपका, ओके। एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, आप लोगों को एक चीज पता होगी कि TCP के ऊपर जो भी कोई ट्रैफिक भेजना हो, पहले उन दोनों के बीच में, दोनों डिवाइसेस के बीच में क्या फॉर्म होता है, एक TCP कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, 3-way हैंडशेक प्रोसेस चलती है ना। लेट्स सपोज इसका आईपी है 12.1.1.1, इसका आईपी है 12.1.1.2, इन दोनों पे हमने क्या चला रखा है, BGP प्रोटोकॉल चला रखा है।
तो बीजीपी ने अपना कोई भी मैसेज शेयर करने से पहले ये क्या करेगा, एक टीसीपी कनेक्शन क्या करेगा, इस्टेब्लिश करेगा। क्या होगा? एक टीसीपी कनेक्शन। और उस टीसीपी कनेक्शन में पहले आप लोगों को पता है एक टीसीपी मैसेज आता है और उसमें एक सिन बिट होती है, उसको ऑन करके भेज देता है एक सीक्वेंस नंबर के साथ में। ये सीक्वेंस नंबर नहीं होता, ये क्या होती है, टीसीपी के अंदर एक फ्लैग बिट होती है, सिन बिट, उसको ऑन करके भेजता है कोई भी एक सीक्वेंस नंबर से, ठीक है। और सामने वाला डिवाइस क्या करेगा, उस सिन का क्या देगा, एक्नॉलेजमेंट। तो अपना एक टीसीपी मैसेज भेजेगा जिसमें फ्लैग बिट होगी, एक एक्नॉलेजमेंट, उसको ऑन करके भेज देगा और अपना भी सिन भेजेगा, अपना एक उसी मैसेज में एक सिन बिट भी जो होगी उसको भी क्या कर देगा, ये ऑन करके शेयर कर रहा होगा। अब एक इस राउटर पे एक चीज पता चल जाएगी, इसने एक जो सिन मैसेज भेजा था उसकी क्या मिल गई, एक्नॉलेजमेंट, इसको पता चल गया मेरी जो है वो R2 के साथ में क्या है, कनेक्टिविटी है। बायडायरेक्शनल कनेक्टिविटी चेक करने के लिए प्रोसेस चलती है तुम्हारी थ्री वे हैंडशेक। अब ये क्या होगा, ये भी तो अपना सिन भेज रहा है इसी मैसेज में, तो अब ये डिवाइस क्या देगा, इसको एक अपना एक टीसीपी मैसेज भेजेगा जिसमें एक्नॉलेजमेंट बिट सेट करके भेज देगा और इसको भी पता चल जाएगा हाँ भाई मेरी उसके साथ में कनेक्टिविटी है और इन दोनों के बीच में एक टीसीपी कनेक्शन क्या हो जाएगा, एस्टेब्लिश हो जाएगा। बाकी तुम लोग टीसीपी तो पढ़ के आई हो, टीसीपी कैसे काम करता है, यहाँ पे एक सॉकेट बनता है, टीसीपी बनता है ना, तो आप लोगों को पता है सारी चीजें और मुझे पता है कितनी पता है। सॉकेट क्या होता है, तो ये जो है ये क्या है, थ्री वे, एक हैंडशेक प्रोसेस चलेगी और इन दोनों के बीच में क्या इस्टेब्लिश हो जाएगा, एक टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, अब बीजीपी अपने मैसेजेस शेयर करना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। बीजीपी में बात करेंगे कौन कौन से टाइप के मैसेजेस हैं, ये जो भी राउटर है बीजीपी के मैसेज शेयर करेंगे, लेट्स सपोज इसने अपना एक बीजीपी का मैसेज शेयर करना है, तो सामने वाला डिवाइस उस बीजीपी मैसेज की क्या देगा, एक्नॉलेजमेंट भी देगा। हर एक मैसेज की यहां पे क्या रहेगी, एक्नॉलेजमेंट। ये भी अपना अगर इसको कोई बीजीपी मैसेज शेयर कर रहा है तो इसको भी उस मैसेज की क्या मिलेगी, एक एक्नॉलेजमेंट। बट पहले एक थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस चलेगी, इन दोनों के बीच में एक टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, उसके बाद में मैसेजेस शेयर होने स्टार्ट होंगे। क्लियर है ये चीज? ओके, इसी में मेंशन करना। इसमें एक और लाइन आप ऐड कर सकते हो, इट इज ए कंप्लीटली रिलायबल राउटिंग प्रोटोकॉल। ये कंप्लीटली रिलायबल राउटिंग प्रोटोकॉल है, इसमें मेंशन करना। बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम पाथ इज, कितने होते हैं, वन। बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम पाथ वन होता है, मतलब बाय डिफॉल्ट बीजीपी कोई लोड बैलेंसिंग परफॉर्म नहीं कर रहा होता। अगर मल्टीपल राउटर से एक प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है तो मैक्सिमम एक ही पाथ राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा, एक ही पाथ को बेस्ट पाथ बनाएगा। क्लियर है? तो लोड बैलेंसिंग के बारे में बात कर लेंगे हम लोग, इसे मेंशन करना। इट इज ए क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल। क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल से क्या मतलब है, जब भी अपना प्रीफिक्स शेयर करेगा सबनेट मास्क लगा के भेजेगा। बाय डिफॉल्ट ऑटो समरी इज डिसेबल्ड। ऑटो समरी डिसेबल्ड होती है यहां पे। इट सपोर्ट मैनुअल समराइजेशन। ये मैनुअल समराइजेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे
समराइजेशन परफॉर्म करवा सकते हैं बीजीपी में, ठीक है। डजंट सपोर्ट डायनेमिक नेबरशिप, ये डायनेमिक नेबरशिप को सपोर्ट नहीं करता। अब डायनेमिक नेबरशिप से क्या मतलब है, EIGRP OSPF में क्या होता था, हम लोग दोनों राउटर पे EIGRP OSPF प्रोटोकॉल इनेबल करते थे, वो अपने मैसेजेस मल्टीकास्ट शेयर करना क्या कर देते थे स्टार्ट। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस राउटर को बताना पड़ेगा इसका नेबर कौन है, और इसको बताना पड़ेगा इसका नेबर कौन है, स्टैटिकली बताना पड़ेगा, डायनेमिकली नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए बीजीपी में जितने भी मैसेजेस जाते हैं वो हमेशा यूनिकास्ट जाते हैं, बीजीपी में कोई मल्टीकास्ट एड्रेस नहीं होता, बीजीपी अपना कोई मल्टीकास्ट एड्रेस यूज नहीं कर रहा होता, क्योंकि यहाँ पे कोई यहाँ पे नेबरशिप जो हम लोग बनाते हैं, नेबरशिप जो फॉर्म करते हैं वो कैसे फॉर्म करवाते हैं, स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म करवाते हैं, स्टैटिकली राउटर्स को बोलना पड़ता है कौन किसका नेबर है, डायनामिकली नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। तो यहाँ पे ये कोई मल्टीकास्ट एड्रेस यूज नहीं कर रहा होता, इसे मेंशन करना एडी वैल्यू, एडी वैल्यू कौन कितनी होती है, 20 एंड 200, 20 जो एडी वैल्यू होती है वो आपकी इंटरनल होती है, और 200 एडी वैल्यू सॉरी 20 एक्सटर्नल होती है, और जो 200 है वो क्या होती है, इंटरनल। चलो एडी वैल्यू को समझ लेते हैं, एडी वैल्यू क्या है। देखो यार, इन दोनों राउटर पे बीजीपी चल रहा है, और R1 पे जो AS यूज हो रहा है वो 100 यूज हो रहा है, और R2 पे जो AS यूज हो रहा है वो हो रहा है 200। इन दोनों के बीच में बीजीपी की नेबरशिप आप आ जाएगी, अरे एक दूसरे को बोल रखा है हमने, इसको बोल रखा है ये तुम्हारा नेबर है, इसको बोल रखा है ये तुम्हारा नेबर है, इन दोनों के बीच में बीजीपी नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी। इस टाइप के बीजीपी नेबरशिप को बोलते हैं EBGP नेबरशिप। ये नेबरशिप कौन सी है, जब दो डिफरेंट ASS के बीच में आप लोग नेबरशिप फॉर्म करवाते हैं उसको बोलते हैं EBGP नेबरशिप, एक्सटर्नल BGP। और हाँ, एक और चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यहाँ पे कुछ लोग EGP को प्रोटोकॉल समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। EBGP क्या है, EBGP एक नेबरशिप टाइप है। जब दो डिफरेंट ASS के बीच में BGP फॉर्म करवा रहे हैं उनके बीच में जो नेबरशिप फॉर्म होगी उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, EBGP नेबरशिप है वो। और ऐसे ही हम लोग एक और काम कर सकते हैं, R1 है R2 है, और इन दोनों राउटर्स पे जो AS नंबर जो यूज हो रहा है वो सेम यूज हो रहा है, यहाँ पे भी AS नंबर 100 और यहाँ पे भी AS नंबर 100, इन दोनों के बीच में भी आप BGP रन कर सकते हो। तो इन दोनों के बीच में जो BGP की नेबरशिप फॉर्म होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, IBGP नेबरशिप, इंटरनल BGP। और ये नेबरशिप टाइप है, ना कि BGP में फिर से कोई प्रोटोकॉल है, ऐसा नहीं है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो दो टाइप की नेबरशिप होती है यहाँ पे, EBGP नेबरशिप एंड IBGP नेबरशिप। जब आप दो डिफरेंट ASS के बीच में नेबरशिप फॉर्म करवाओगे वो आपकी EBGP नेबरशिप रहेगी, जब दो सेम ASS के बीच में नेबरशिप फॉर्म करवाओगे वो आपकी IBGP नेबरशिप रहेगी। क्लियर है इतनी चीज, ओके। अब यहाँ पे एक प्रीफिक्स है 10.1.1.0/24 का, R1 पे इस प्रीफिक्स को आपने BGP में क्या करवा दिया, एडवर्टाइज। तो ये R1 ये प्रीफिक्स R2 के साथ में शेयर करेगा, R2 के पास में ये प्रीफिक्स आ रहा होगा। इस प्रीफिक्स को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल प्रीफिक्स। जब कोई प्रीफिक्स EBGP नेबर से रिसीव होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटर्नल प्रीफिक्स बोलते हैं। और जो एक्सटर्नल प्रीफिक्स होता है उसकी AD वैल्यू कितनी होती है, 20, ठीक है। और हाँ, यहां पे एक प्रीफिक्स यूज हो रहा है, ये अपने इस नेबर को प्रीफिक्स शेयर करेगा। जब राउटर कोई अपने IBGP नेबर से प्रीफिक्स रिसीव करता है उसको बोलते हैं इंटरनल प्रीफिक्स। और जो इंटरनल प्रीफिक्स होता है उसकी जो AD वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 200। क्लियर, आगे बात समझ में, AD वैल्यू, इंटरनल एक्सटर्नल प्रीफिक्स, EBGP IBGP नेबरशिप, हटा दूं इसको, बोलो, ओके।
अब बात करेंगे हम लोग बीजेपी यूज़